कोई भी कैंडिडेट जो एग्जाम क्लियर करता है, आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि उसने मेहनत बहुत ज्यादा की होती है। 5 बजे जिस टाइम सोते थे, आजकल उस टाइम पे उठना पड़ रहा है, बजाय इसके कि आप 5 डिफरेंट सोर्सेस को एक एक बार पढ़ के एग्जाम में अपियर करें, तो इससे बेटर ये है कि आप एक ही सोर्स को 5 टाइम्स अगर पढ़ें, तो वो आपको एग्जाम में ज्यादा आउटपुट निकाल के देगा। क्या पढ़ना है वो जानना तो जरूरी है इस एग्जाम में, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं डरा तो था फासला देखकर, मगर बढ़ता ही गया रास्ता देखकर, मेरे करीब खुद ब खुद आ गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आपका स्वागत है कलाम एकेडमी के YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हैं IIT दिल्ली से ग्रेजुएट एक इंजीनियर, जिनके सामने पास आउट होने के बाद संभावनाओं का आसमान था, लेकिन उन्होंने संघर्ष की जमीन को चुना, वो जमीन जिस पर रहकर वे इस देश की, इस राज्य की, इस शासन, इस तंत्र की बेहतर नींव का निर्माण कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आदित्य पूनिया जी की, जिन्होंने साल 2016 में आयोजित RAS परीक्षा को 66वीं रैंक के साथ क्लियर किया और वर्तमान में राजस्थान पुलिस अकेडमी में DYSP के पद पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कलाम अकेडमी के चैनल पर और इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच विवेक जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कलाम एकेडमी का, जो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, जहां हम आपके सभी व्यूअर्स से, सभी एस्पिरेंट से जुड़ सकते हैं और हमारे खट्टे मीठे जैसे भी अनुभव हैं उन्हें सभी के साथ साझा और शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं उसी के साथ आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं इतनी ज्यादा तारीफ का काबिल नहीं हुआ, जस्ट क्लियर्ड एन एग्जाम, तो डिपेंड करेगा आगे हम कैसा परफॉर्म करेंगे, हमारे आने वाली लाइफ में, जॉब में हम कैसा परफॉर्म करेंगे, उस पे डिपेंड करेगा कि क्या मैं इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन डिजर्व करता हूँ। वन मोर थिंग जो मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहूंगा कि आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ यू। आपकी जो कविताएं हैं, जो आप शेर लिखते हैं, वो मैं कॉपी करता हूँ और वो कॉपी करके मुझे जहां पे भी बोलने का मौका मिलता है वहां पर मैं उसे पेस्ट करता हूँ। तो चोरी का आप मुझ पे कॉपीराइट का जरूर करा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ेगी और हम कुछ सवाल सर से करेंगे। तो सर, इस श्रृंखला में पहला सवाल, अक्सर बहुत सारे इंटरव्यूज जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि बचपन में कभी 6वीं 7वीं 8वीं में एक सपना जागा था कि ऑफिसर बनना है। तो आपके बचपन की कोई ऐसी याद या आपका बचपन कैसा रहा, उस बारे में कुछ बताइए सर। जो भी लोग ऐसा कुछ डिस्कस करते हैं, जब अपनी ऐसी कोई स्टोरी बताते हैं कि बचपन से मुझे शौक था, तब मैं भी सोचता हूँ बचपन में मुझे क्या शौक था। तो मुझे कुछ खास शौक नहीं थे बचपन में, और मेरे शौक बदलते रहते थे कि जैसे अगर फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है तो मुझे फुटबॉलर बनना है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुझे क्रिकेटर बनना है, जब कल्पना चावला न्यूज में आई तब मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था। और ये सब बनना तो था, लेकिन हर काम में मैं मीडियोकर था, स्टडीज में मैं मीडियोकर, एवरेज परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स में भी एवरेज परफॉर्मेंस, तो नेवर बीन अ गुड ब्रिलियंट काइंड ऑफ अ पर्सन इन स्कूल। 11th 12th जब मैं गया और कोचिंग वगैरह में गया, तब एक दिमाग में एक सनक चढ़ी, जोश चढ़ा इसे बोल सकते हैं, कि मैंने देखा कि कुछ जो सक्सेसफुली IIT क्रैक करके मेरे सामने कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ लोग मिले मुझसे कोचिंग में, मैंने उनकी पर्सनैलिटी को देखा। और जैसे कई बार ऐसा नहीं हो जाता कि हम किसी से मिलते हैं और मन करता है कि काश हम उस पर्सन के शूज में हों, काश मेसमराइज, एग्जैक्टली आपने वो वर्ड बिल्कुल सही चुना है, मेसमराइज हो जाते हैं, उसकी पर्सनालिटी से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि यार अब तो जी जान लगा देंगे, लेकिन बनना वो ही है जहां वो आदमी खड़ा है। तो तब जोश आया, और वो जोश आया उस टाइम पे IIT किया। हालांकि IIT में जाके मैंने रियलाइज किया कि दिस इज नॉट माई थिंग, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई कांट बी एन इंजीनियर, इसमें मैं कोई बहुत बेहतरीन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा और पूछूंगा कि बहुत सारे इंजीनियर्स, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ, जिनको अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के दौरान ऐसा लगता है कि इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी, कोई खास वजह इसके पीछे? विवेक जी, अपने कंट्री का सिस्टम ही कुछ ऐसा है। क्या है कि हमारे पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, पेरेंट्स भी सोशल प्रेशर के चक्कर में आकर और अपने बच्चों को इस डायरेक्शन में फोर्स कर देते हैं, मैं कहूंगा मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि बेटा बनना है तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि वो एक सेफ गेम प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी देश एक स्ट्रगलिंग देश है, तो वी डोंट हैव द लग्जरी टू टेक रिस्क। मिडिल क्लास पेरेंट्स मेरे भी और ज्यादातर लोगों के, तो वो एक सेफ नेट में अपने बच्चे को डाल देना चाहते हैं, और उसका जो असली टैलेंट उसमें छुपा है, जो असली उसमें प्रतिभा है, वो
कौन से फील्ड में, इस चीज को एक्सप्लोर करने का उनके बच्चों को वो मौका ही नहीं देते हैं। तो मैं भी उसी चीज का शिकार हुआ। सभी लोग किसी ना किसी फेज में उस चीज के शिकार होते हैं। कॉलेज में जाके रियलाइज कर लिया कि इंजीनियरिंग नहीं होगा, कुछ और ही करेंगे। धीरे 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 माइंड मेकअप हुआ और जर्नी चेंज होती गई। तो आईआईटी के दौरान ही ऐसा लगा था कि तैयारी करनी है या फिर पास आउट होने के बाद? विवेक जी, हुआ ये एक्चुअली कि जैसे ही मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो प्लेसमेंट्स में सभी बैठते हैं, मैंने भी बैठा। मेरी जॉब लगी मेक्सिको में, मेक्सिको की ई कॉमर्स कंपनी थी, जैसे अपने आप फ्लिपकार्ट एमेजॉन एवरीथिंग, वहां की एक लोकल ई कॉमर्स कंपनी में मेक्सिको में मेरी प्लेसमेंट हुई। हालांकि आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रेवल अब्रॉड जाना था और मैं वहां सेटल होने का सोच रहा था, सो आई वॉज एक्साइटेड। बट अनफॉर्चुनेटली लाइफ ने थोड़ा सा डिफरेंट टर्न ले लिया। सर, मेरे मदर जो थे, जिनसे मैं काफी क्लोज था, अफेक्शनेट था, क्योंकि आई बीइंग अ सिंगल चाइल्ड इन माय फैमिली, मदर से काफी क्लोजनेस थी। मदर को कैंसर डायग्नोज हो गया 2013 में, मुझे पास आउट 2014 में होना था और इलाज के बावजूद, एक बार क्योर होने के बावजूद कैंसर रिलैप्स किया और उस वजह से मेरे मदर चल बसे, शी पास्ड अवे 2014 में। तो मेरी ये जो बाहर जाने की ख्वाहिश थी, ख्वाहिश बोल लीजिएगा, अपॉर्चुनिटी थी, उस पर मैं कैपिटलाइज नहीं किया कर पाया क्योंकि आई हैड टू बी देयर विद माय डैड, पापा के साथ रहना था, पापा बीइंग अलोन इन द फैमिली। तो मैंने सोचा कि पापा के साथ रहते हैं, यहीं पर ही सेट होते हैं और राजस्थान मेरा होम स्टेट है, तो मुझे भी कुछ ऐसी जॉब जिसमें मैं फादर के साथ भी रह सकूं और सोशली एक इम्पैक्ट डाल सकूं ज्यादा से ज्यादा लोगों पर, और अच्छा काम करके इस तरीके से पिक्चर में आए जिससे जो मेरे मदर शायद ऊपर बैठे हैं आज के दिन, वो सपना देखते हैं कि ये लड़का कुछ करे, नाम रोशन करे। तो वो बस एक ख्वाहिश है जो धीरे धीरे बढ़ रही है और देखते हैं सर फील्ड पे आगे भविष्य में मामा के उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। एग्जैक्टली सर, वही सर, बिल्कुल सर। सर कैसा अब महसूस करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा जगहों पर आपने इस सवाल को डील किया होगा, मैं इसका नेचर थोड़ा सा बदलता हूँ कि एक आदित्य पूनिया वो थे जो कभी इंजीनियरिंग के दौरान हौस खास की सड़कों पर घूमते थे, खिलंदड़ मिजाज के दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, और एक आदित्य पूनिया वो है जो सुबह 4 बजे उठ के आरपीए के ट्रैक फील्ड पर दौड़ लगाते हैं, एक ऑफिसर बनने की जो भी काबिलियत है उसको अचीव करना चाहते हैं। तो उस चेंज को कैसे देखते हैं अपने आप में, उन जिम्मेदारियों को कैसे देखते हैं? काफी डिफिकल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि ये जो चेंज है ये एकदम से नहीं आता है लाइफ में, ये ग्रेजुअल होता है। ये जो आपने खेलने कूदने वाली बातें की, हमने खूब जी भर के की, फुल पावर हमने मौज मस्ती की कॉलेज के वो 4 साल, क्योंकि पढ़ाई में अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था कॉलेज में, तो हमारा पर्पज एक ही था और वो था एंजॉय करना। तो 4 साल एंजॉय किया। 2014 में घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुए, कंडीशंस इस प्रकार से बनी और टारगेट इस प्रकार का चुना कि अपने आप में चेंजेस लाना जरूरी हो गया। कोई भी कैंडिडेट जो एग्जाम क्लियर करता है, आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि उसने मेहनत बहुत ज्यादा की होती है। कोई भी अगर ऐसे बोलता है कि नहीं यार थोड़ा बहुत पढ़ के हो गया मेरा काम, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है या फिर छुपा रहा है अपनी मेहनत को, हम्बल होकर दिखा रहा है बेसिकली। सर मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो एकदम से लाइफस्टाइल में चेंज आया, सिंसियरिटी अडॉप्ट करनी पड़ी अपने लाइफस्टाइल में, अपने बोलचाल में, अपनी हरकतों में, अपने शेड्यूल में, तो वो धीरे धीरे चेंजेस आए और वो एक बोलते हैं ना, एक बॉय से एक मैन बन गए। तो वो बॉय से मैन, एक गर्ल से वुमन जैसे होता है, तो वो बॉय से मैन मेटामॉर्फोसिस धीरे धीरे हुआ। 2014 के बाद वो शुरू हुआ और अब ट्रेनिंग अकेडमी में आने के बाद तो एकदम से ही पलट गई। जिस टाइम पे सोते हैं, सोया करता था मैं क्योंकि मुझे लेट सोने की आदत है, इंजीनियर यू बीइंग एन इंजीनियर इस बात को जानते ही होंगे, 3-4-5 होते हैं, निशाचर होते हैं, तो हमारा प्रोडक्टिव टाइम ही शाम को 8-9 बजे के बाद शुरू होता है। तो 5 बजे जिस टाइम सोते थे, आजकल उस टाइम पे उठना पड़ रहा है। और वो सर्दियां इस बार इतनी खतरनाक है सर, क्या बताएं आपको, कि उठना और फील्ड पर जाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा अपना रूटीन बताएंगे सर, कैसा अभी चल रहा है सर? अभी करंटली हम राजस्थान पुलिस एकेडमी में हैं, यहाँ पर आए हुए हमें 2 से 3 महीने हो चुके हैं और 5 से 6 महीने का टाइम यहाँ पर और बताना है। तो रूटीन सर ऐसे है कि सुबह 5 बजे से हमारा दिन शुरू होता है। 5 बजे के बाद हमें पीटी, एक्सरसाइजेस, रनिंग रोज की 2-3 किलोमीटर, बीच में एक बार 7 किलोमीटर इस तरीके से रनिंग करनी होती है, और उसमें भी टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर हमें कंप्लीट करना पड़ता है। कभी कभी हमें 21 किलोमीटर हाफ मैराथन भी भगा दिया जाता है। अच्छा। जिसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होता जाना ही है, इट इज मैंडेटरी। फिर उसके बाद परेड, क्लासेस, आईपीसी, सीआरपीसी, पूरा जैम पैक्ड शेड्यूल, दिन में 5 बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं,
यू हैव टू चेंज 5 shoes इन अ डे, कभी हॉर्स राइडिंग, कभी स्विमिंग, कभी स्पोर्ट्स, तो ये सब कुछ करना पड़ता है, मैंडेटरी हो गया। तो ये जो चेंजेस आ रहे थे, ये मेंटली तो हम अपने दिमाग को तो पिछले 5-6 साल में यूज किया है, 2014 के बाद से 4-5 साल जब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो दिमाग को तो बहुत यूज किया, बॉडी को यूज नहीं कर रहे थे। अच्छा। अब बॉडी को भी लोड आ रहा है बॉडी पर, और बॉडी को यूज करने का मौका मिल रहा है, सो इट फील्स डिफरेंट, रिफ्रेशिंग, वी फील यंग। क्योंकि पुलिस के लिए वैसे भी 24/7 जॉब है। एग्जैक्टली सर, ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं बहुत सारे, वो हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, एंड देव बीन टेलिंग के वी बीन वर्किंग फॉर 5 days विदाउट स्लीपिंग। 5 दिन उन्हें कई कई बार ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हो जाती हैं। जी सर, मैं आपको बताऊंगा कि 5-5 दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में उन्हें सोने का, ढंग से खाने का मौका नहीं मिलता है, दाढ़ी बड़ी रहती है, नहाने का मौका नहीं मिलता है, तो हमें ऐसी कंडीशंस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई हमारे शेड्यूल को इतना वहां पर टाइट कर रखा है। बट शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन जब सभी भाई लोग और सभी वो एक ही रूटीन में होते हैं और एक ही तरीके के, तो मोटिव बहुत अच्छा होता है उसके साथ कि हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। बीइंग ऑनेस्ट विद यू, मोटिव तो एक बार के लिए आदमी उस शेड्यूल में भूल जाता है। अच्छा। तो मोटिव तो दूर हो जाता है दिमाग से, एक बार तो यार किसी तरह हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, ये दिमाग में रहता है। तो ऐसे ठीक है, कट रहा है, 2-3 महीने हो गए हैं, 2-3 महीने और 4-5 महीने निकल जाएंगे, हो जाएंगे। प्रिपरेशन के उस फेज में आते हैं सर, कि आपकी तैयारी कैसी रही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर जानना चाहते हैं कि जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स हैं वो उनके टिप्स मिले हैं, ऐसी क्या तैयारी रही जो जिसने आपको सबसे अलग खड़ा किया, आपका एक्सपेक्टर जो था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन। विवेक जी, सभी का पढ़ने का स्टाइल, रिवाइज करने का स्टाइल, एग्जाम में अपना परफॉर्म करने का स्टाइल अलग होता है। जैसे हर बैट्समैन का, हर बॉलर का अपना एक अलग डिफरेंट एक्शन होता है, हर बैट्समैन का एक फेवरेट शॉट होता है, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, तो सभी के डिफरेंट होते हैं। मेरे भी कुछ थे, तो मेरे कुछ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चीजें मैं बता देना चाहूंगा। लेकिन एक चीज जो हर एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि कोई दूसरा जो भी सिलेक्टेड है या फिर काफी टाइम से मेहनत कर रहा है और सिलेक्ट नहीं हुआ है, उन्होंने गलतियां क्या की, वो जानना उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप सभी व्यूअर्स से, मैं बता देना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी कैंडिडेट से मिलते हैं, सिलेक्टेड है, सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उनसे उसकी गलती के बारे में पूछिए और वो गलती आप ना दोहराए, तभी आप एक स्मार्ट एस्पिरेंट, स्मार्ट प्लेयर के तौर पर सामने आएंगे। तो गलतियां सर, ये चीज के कुछ छोटी गलतियां जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन करने से पहले की एक प्रिपरेशन करते हैं कि पहले हम किताबें खरीद लेंगे, जितने नोट्स मार्केट में है सारे इकट्ठे कर लेंगे, अच्छा ज्योग्राफी की, अच्छा 5 बुक्स, ये वाली बुक जीसी लो, ये एनसीईआरटी भी, ये बोर्ड की भी, वो भी, सभी इकट्ठी कर ली और अब उन सबको पढ़ने में लग जाते हैं। सर दिस इज नॉट द स्ट्रेटजी। मेरे जो स्ट्रेटजी थी, कुछ लोगों को सही भी लगी, कुछ को गलत भी लगी, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बजाय इसके कि आप 5 different sources को एक एक बार पढ़ के एग्जाम में अपीयर करें, तो इससे बेटर ये है कि आप एक ही सोर्स को 5 times अगर पढ़ें, तो वो आपको एग्जाम में ज्यादा आउटपुट निकाल के देगा। भले ही आप 70-80% सिलेबस कवर करके एग्जाम में जाएं, लेकिन वो कवरेज आपकी पुख्ता होनी चाहिए, उसमें से आपको कुछ भी माइनर से माइनर, माइन्यूट चीज भी अगर पूछ ली गई है तो वो आपको आनी चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है सर। दो चीजें और जो बच्चे अक्सर कहते हैं, एक तो नोट्स कैसे बनाए जाएं, और दूसरा उनका सबसे ज्यादा डाउट जो स्टूडेंट्स का आता है वो आता है कि सर अच्छा आंसर कैसे लिखें। तो नोट्स बनाने के लिए आपने कोई खास कवायद की थी? सर देखिए, एक तो होते हैं आपके कोचिंग के नोट्स जी, तो कोचिंग के नोट्स जो है वो हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी में, लेकिन सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि लास्ट में जब आप एग्जाम में प्रिपेयर करने, अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे, तब वो सभी नोट्स आप एक साथ रिवाइज करके और वैसे नहीं जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हर एस्पिरेंट के खुद के एक पर्सनल शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, जो वो बहुत कम टाइम में पूरे सिलेबस की उसको कवरेज कर, लास्ट टाइम के लिए क्रिस्पी। हाँ जी, तो खुद के एक पर्सनल नोट्स उसके बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये पर्सनल नोट्स बनाने का सेंस कहाँ से आएगा, तो ये आएगा और लोगों के साथ मिलकर तैयारी करने में। आपकी कोचिंग में आप जाते हैं तो वहां पर जो टीचर्स हैं, जो वहां पर लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे डिस्कस करने पर वो लोग आपको गाइड करेंगे कि क्या जरूरी है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि क्या पढ़ना है वो जानना तो जरूरी है इस एग्जाम में, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है वो जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नहीं पढ़ मार्केट, एग्जैक्टली
क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, इंटरनेट पे इतना ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, तो उससे दिक्कत क्या आती है कि लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या है। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, अपने कोचिंग के टीचर्स की बातों को ध्यान में रखते हुए, उनका सर खाओ, उनसे कैसे भी आप निकलवाने की कोशिश करो, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैं हूं, मेरे साथी हैं, उनसे कॉन्टैक्ट बनाकर, उनसे ये चीजें पूछकर आप एक अच्छे बढ़िया सेल्फ डिजाइन नोट्स बनाए और उसी को बार बार रिवाइज करें। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी जो मेरे लिए काम की, मुझे लगता है कि ये एक सही स्ट्रैटेजी है सर। आंसर राइटिंग, विवेक जी, आंसर राइटिंग का तो ये है कि आंसर राइटिंग के कोई फंडे नहीं होते। आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है जो सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस से होगी। ऐसा कोई सेशन नहीं है, ऐसा कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट आपको यूट्यूब वीडियोस के जरिए नहीं बता पाएगा। कुछ भी फंडा आंसर राइटिंग में काम नहीं आएगा अनलेस अनटिल आप अपने पेन और नोटबुक को दोस्त पर नहीं बनाते हैं। तो हालांकि मैं नहीं बोल रहा कि आप डे वन से ही जो आपकी जो भी मेंस के पेपर जो लिखने होते हैं वो लिखने लग जाएं, क्वेश्चंस ढूंढ के लिखने लग जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। वो आपकी तैयारी जैसे जैसे ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, तब आप उस प्रैक्टिस में आएंगे। लेकिन एज अ बिगिनर आप कुछ छोटी छोटी चीजों में राइटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने न्यूज पेपर पढ़ा तो एडिटोरियल आते हैं दो तीन, तो एडिटोरियल पढ़ लिया, उसकी समरी लिख दी 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स 150 वर्ड्स, तो उससे क्या है कि आप में एक रिदम मोमेंटम डेवलप होने लगेगा। कुछ भी देखते ही आप फिर उसे स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लिखेंगे ही नहीं और सोचेंगे हाँ मैंने पढ़ तो लिया है, अब एग्जाम में लिखना ही तो है जाके, तो वो पहला सेंटेंस लिखने में ही आपको 10 सेकंड वेस्ट हो जाएगा। कारण ये है कि वो जो 3 आवर्स होते हैं आपके एग्जाम के, आरएएस के एग्जाम के, वो एक वॉर जोन होता है। उसमें आपको 50-60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, 2 मार्कर 5 मार्कर 10 मार्कर, ये अलग अलग तरीके के गियर शिफ्ट आपको करने होते हैं। तो गियर शिफ्ट करने के लिए आपको एक पहले से सेम वॉर आपने बिहाइंड द सीन्स लड़ी हुई होनी चाहिए, तब जाकर यू विल बी एबल टू डू इट सक्सेसफुली। तो ये राइटिंग की प्रैक्टिस जो है, मैं सभी एस्पिरेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वो कंटिन्यू रखें, वो इस चीज को ज्यादा इस पे फोकस करें। एक चीज ये भी है कि कोई, चाहे वो टॉपर हो चाहे कोई भी हो, जब उन्होंने पहली बार कोई आंसर लिखा होगा तो वो जरूर बिलो एवरेज रहा होगा, बहुत ही खराब क्वालिटी का रहा होगा। तो ये आपके साथ भी हुआ था? बिल्कुल सर, मैं अपना पहला आंसर जब मैंने लिखा तो मुझे आई वाज श्योर के आई एम नॉट गोना मेक इट, तो तैयारी छोड़ सोच रहा था, लेकिन वो तो ठीक है। आपने इंटरनेट की बात करी सर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अक्सर सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं जैसा उन्हें लगता है। आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं, सोशल मीडिया से दोस्ती बनाए रखें या फिर उससे दूरी ही सही है? विवेक जी, जो बैलेंस्ड अप्रोच होती है वो ज्यादा सही रहती है। हालांकि मैंने पर्सनली क्या किया वो ये था कि जिस दिन से मैंने तैयारी करनी स्टार्ट की, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैंने ना सिर्फ डिलीट किए बल्कि डीएक्टिवेट भी कर दिया अकाउंट। आई हैड 0 सोशल मीडिया प्रेजेंस व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, तैयारी के दौरान हर चीज ब्लॉक। हालांकि हर किसी के बस की बात नहीं है, कुछ लोगों का ये एक अच्छा रिक्रिएशनल, थोड़ा बहुत टाइम पास भी तो जरूरी होता है, तो कुछ लोग उसे सही भी जाहिर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर सिलेक्टेड कैंडिडेट ने ही वो काम किया हो, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मैंने डीएक्टिवेट कर रखी थी ये सब चीजें। कारण डिस्ट्रैक्शन, बार बार नोटिफिकेशन आना, बार बार फोन उठाना बिना मतलब के। आजकल आपने नोटिस किया हुआ, हमें इतनी आदत पड़ गई है कि फोन ऐसे रखा रखा होता है और फिर भी उठा के देख लेते हैं। हाँ। उस पर कुछ नोटिफिकेशन नहीं होता है, जो उठाया और ऑन की लाइट और ऑफ करके फिर 2 मिनट में वो काम कर लिया। तो ये एक अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अपन, और ड्यूरिंग प्रिपरेशन वी कांट अफोर्ड टू, ये सुसाइडल है। हाँ, वी कांट अफोर्ड टू डू दिस मिस्टेक्स। तो मेरी प्रेजेंस 0 थी, जिस दिन सेलेक्ट हुए उस दिन से हर प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंस है, भले ही वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, कुछ भी हो। अब उसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो कि आपने जो इतने दिन दूरी बना के रखी, अब मजा भी आता है वो सब करने में। पहले अंडर प्रेशर होते थे, अब प्रेशर है नहीं, ये सब चीजें करने का बहुत मौका मिलता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सेलेक्ट होंगे उसके बाद ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलेगा। सिलेक्शन के बाद से मैं रशिया, इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पर घूमने फिरने का बहुत शौक रखता हूँ, खाने पीने का बहुत शौक रखता हूँ। अच्छा। और उन सब चीजों को सोशल मीडिया पे भी शेयर करता हूँ। तो वो सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन एक टाइम के बाद और एक बैलेंस के साथ। प्री मेंस और उस पूरी तैयारी, उस पूरे युद्ध पर बात करते हैं सर, आपकी यात्रा कैसी रही आरएएस प्री, आरएएस मेंस, आरएएस इंटरव्यू की? देखिए सर, मैं बता देना चाहूंगा कि हर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी तैयारी करके सक्सेसफुली एग्जाम को क्रैक करता है और अच्छी रैंक के साथ क्रैक करता है, उसकी जो
तैयारी का जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग डिस्क्रीट तैयारी कोई भी कैंडिडेट नहीं करता। बहुत सारे लोग इसी चीज को के डिलेमा में रहते हैं। जी नहीं, कुछ भी पढ़े उसे दोनों के हिसाब से पढ़े, प्री और मेंस के दोनों के हिसाब से। क्योंकि देखिए, जो आदमी सिलेक्ट होना चाहता है अच्छी रैंक के साथ, उसके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि मैं इसी बार में तीनों लेयर्स को क्रॉस कर दूंगा, प्री मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। वो एक बहुत कमजोर अप्रोच है कि यार इस बार प्री दे लेते हैं, मेंस में होगा नहीं होगा देखी जाएगी, प्री निकाल लेते हैं इस बार, अगली बार मेंस देख लेंगे, फिर उससे अगली बार इंटरव्यू देख लेंगे, तो अगली अगली बार करके लोग लटक जाते हैं, फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अप्रोच ऐसी एकदम बिल्कुल एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए सर, एग्रेसिव अप्रोच ऐसी कि मैं सब कुछ पढ़ दूं, सब कुछ लिख लूं और सब कुछ इस तरीके से कवर कर लूं कि एक ही बार में सारा काम हो जाए। तो प्री एज वेल एज मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ बेटर रहता है। प्री की तैयारी के लिए आपने क्या ऐसी चीज अपने तैयारी के दौरान की थी? सर प्री का जो पूरा का पूरा सेटअप है आपने देखा ही होगा कि वो फैक्चुअल बेस्ड रहता है, तो इम्पॉर्टेंट चीज ज्यादा तो अभी हमारे पास इतना अभी इस टाइम पे हम इतना शेयर कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो है वो ये कि हमेशा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर अच्छे से ध्यान दें। जैसे राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे एक गॉड डॉक्यूमेंट है हमारे आरएस के एग्जाम के लिए, कम से कम 15 से 20 सवाल वो निकाल के देता है आपको जी। तो ये हो गया। राजस्थान बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है, हालांकि वो थोड़ी सी आगे पीछे चैप्टर है, उसमें कौन सा चैप्टर कब शुरू हो जाता है पता नहीं लगता, लेकिन उसका जो कंटेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर अच्छे से फोकस करें, फैक्चुअल डेटा को कलेक्ट करें। कोई भी प्रीलिम्स के दौरान आप टेस्ट दे रहे हैं, उन टेस्ट में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन यदि आप प्राप्त करते हैं तो उसे एक अलग बुकलेट बना के उसमें नई इन्फॉर्मेशन वो डालें और उसे रिवाइज करें। एक बार तैयारी कंप्लीट करके चीजों को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, बिना प्रीलिम्स के जो फैक्ट्स हैं वो उड़ जाएंगे आपके दिमाग से। बहुत ज्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है, टेस्ट देना, टाइम पर टेस्ट देना, टेस्ट का अच्छे से रिव्यू करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी धीरे धीरे करनी चाहिए। और मेंस के लिए सर, मेंस में इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप लिखते रहें, जो रेफरेंस बुक्स हैं उन पर जरूर ध्यान दें, आंसर राइटिंग करके अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, उनसे क्रिटिकल ओपिनियन लेंगे यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या चीज तू क्या सजेस्ट करता है मुझे, इस तरीके से लोगों के ओपिनियन लें अपने राइटिंग हैंडराइटिंग पे, हैंडराइटिंग को भी सुधारें। अच्छा, वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखें कभी भी कोई भी चीज लिख रहे हैं। मेंस की तैयारी आप ओवरऑल सारी बुक्स पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली आप मेंस की तैयारी स्पेसिफिकली नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो हो रही जाएगी, हो जाएगी। और एक बार प्रीलिम्स के बाद जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे मेंस के लिए तो उस टाइम पे इस चीज की फिनिशिंग हो जाएगी और आप एक हैबिट में आ जाएंगे आंसर राइटिंग की। तो वो धीरे धीरे, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि मैंने आज सोचा तैयारी करना स्टार्ट करने, दो महीने बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके तीन महीने बाद पेपर और मैं निकाल के और बिल्कुल बढ़िया सेट लाइफ, ऐसा नहीं है। इट्स अ स्लो प्रोसेस सर, कंपटीशन इतना ज्यादा है, 5 लाख 7 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे कटिंग, तो अलग अलग टाइम जोन के हर किसी के पास रिसोर्सेज हैं, लोग दो दो तीन तीन अटेम्प्ट्स देकर बैठे हैं। हमारे साथ के जो सिलेक्टेड लोग हैं जो अपनी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है वो दोबारा अपीयर कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो आपको एक परफेक्शनिस्ट होकर काम करना पड़ता है, कहीं पर भी कोई भी लूप होल छोड़ने का आपके पास स्कोप नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो हमेशा अपना एक एक दिन को वर्थवाइल बनाए, हमेशा रात को सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या मैंने आज जो टारगेट बनाया था सुबह से लेकर शाम तक का, क्या मैंने वो कंप्लीट किया, और अगर नहीं किया तो कैलेंडर पे उस दिन पे क्रॉस मार दें और देखें कि महीने में कितने दिन में आपने क्रॉस मारा है। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है सर। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अच्छे खुश मिजाज लोगों के साथ रहें। कोई फैमिली में यदि आपको डीमोटिवेट करते हैं, हमेशा करते हैं हर एक के फैमिली में, जो एक्स्ट्रा फैमिली नॉट फादर एंड मदर बट जो आपके रिलेटिव जिसको बोलते हैं, वो उनका काम है डीमोटिवेशन का होता है कि इससे कुछ नहीं होगा, इसने ऐसे ही बात पहले भी तैयारी की थी तब भी इससे कुछ नहीं हुआ था, अच्छा अभी ये दो अटेम्प्ट तो दे चुका है तीसरे में क्या उखाड़ लेगा, टाइप की बातें डीमोटिवेटिंग वो करते हैं। उससे बुरा नहीं मानना, लेकिन उससे अपने अंदर एग्रेशन और गुस्सा जरूर आना चाहिए। जैसे मेरा रूम था, मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे रूम में मैंने पोस्टर्स लगाए, खाली पोस्टर्स, उस पे खुद की ही चीजें लिखता था, एग्रेशन वाली चीजें, गालियां लिख लेता था। और तो और कोई रूम में आए तो जरूर ऐसे सोचता होगा कि कौन पागल बैठा है इस रूम में। तो इस तरीके से खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखें, गलती ना करें, एग्जाम दे के आकर
कभी भी आप ये बात ना बोलने बोल पाए कि यार काश उस टाइम पे थोड़ा सा और एफर्ट मार देता तो काम बन, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। तो ये चीज सिंसियरिटी इज द थिंग, सिंसियरिटी, क्योंकि बाकी सब कुछ करने का काफी पूरा मौका मिलेगा आपको। ऐसे सर आपने एक पीयर ग्रुप की बात करी अभी कि दोस्तों के साथ डिस्कशन करना चाहिए, तो ग्रुप डिस्कशन का या एक अच्छे ग्रुप का कितना असर पड़ता है आपकी तैयारी में? ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। कारण उसके पीछे ये है कि जब आप कोचिंग में जाएंगे, जब भी आप किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर रखा है, कोचिंग में ज्वाइन कर रखा है, तो इफ यू आर हार्ड वर्किंग सो यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हार्ड वर्किंग पीपल। और जब वो सारे साथ मिलके अपनी सभी एनर्जीज जोड़कर और एक साथ काम करते हैं तो उसका बेनिफिट जो होता है वो काफी फ्रूटफुल, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी, जो फायदा है उसमें ध्यान ये रखें कि टाइम वेस्ट ना करें, किसी एक टॉपिक के पीछे ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल ये जेएनयू वगैरह की जो चर्चाएं चल रही हैं, ये ठीक है इसके बारे में जान लिया, एक दिन अखबार में पढ़ लिया, ये अपने एग्जाम के लिए ये पूरा डिटेल्ड रोज जो लंबी चौड़ी अखबार में बातें आती हैं और जो हम चाय पे चर्चा करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये एग्जाम में किसी रूप में बेनिफिशियल नहीं होगी। तो हमेशा अपनी जो डिस्कशन है पीयर ग्रुप के साथ उसे लिमिटेड रखें, टाइम बाउंड रखें, प्रोडक्टिव रखें, और कहने से ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली अपना पॉइंट तो रखें, उससे ज्यादा सुनने पर विश्वास करें। लोग क्या करते हैं इस तरीके की डिस्कशंस में, टू डोमिनेट या फिर कुछ भी कह लीजिए, अपनी बात रखते हैं और दूसरे को बोलने का मौका नहीं देते, और दूसरा बोलता है तब भी वो अपने दिमाग में बात चलाते हैं कि मुझे अब क्या बोलना है। उसकी बजाय जब आदमी दूसरे लोग बोल रहे हैं तो उस चीज को सुने, नोट डाउन करें और बाद में रिवाइज करें। तो मतलब एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, 24/7 उस प्रिपरेशन मोड पर ही रहना, एग्जैक्टली वही सोचना पड़ता है। पेपर फोर को हमेशा गेटवे टू आरएएस एग्जाम कहा जाता है सर, आप क्या मानते हैं कि पेपर फोर की तैयारी कैसे करनी चाहिए? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क सच अ क्वेश्चन, क्योंकि पेपर फोर में मेरा हाथ बहुत कमजोर था, इनफैक्ट बिलो एवरेज मेरा स्कोर रहा था, मेरे ख्याल से 70-75 टाइप मैंने स्कोर किया था पेपर फोर में। तो लेकिन जैसा मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बताया था कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें और खुद उसे रिपीट ना करें, तो मेरी गलती ये थी कि मैंने उसे लाइटर नोट पे ले लिया था कि लास्ट में यार हो जाएगा, लेकिन वो 200 मार्क्स है आउट ऑफ 800 मार्क्स, मतलब 1/4 ऑफ टोटल मार्क्स जो है वो पेपर फोर यानी लैंग्वेज पे है। तो अगर उसके मार्क्स 1/4 है आपके एग्जाम के, तो इट डिजर्व्स 1/4 ऑफ योर टोटल टाइम ऑफ स्टडिंग। जितना भी तैयारी में समय देंगे उसका 1/4 टाइम आप लैंग्वेज पेपर्स को जरूर दें, दिन में रोज का ज्यादा नहीं तो 2 घंटे, डेढ़, अगर आप 6-7 घंटे पढ़ते हैं तो 1.5-2 घंटे तक रोज कुछ ना कुछ पढ़ें, टच लूज ना करें इन चीजों से, जरूरी होता है। क्या है कि किसी सब्जेक्ट पे हम बहुत ज्यादा मेहनत कर लें, उसकी बजाय कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो हमें बहुत कम आता है और उस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो स्कोर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 60 मार्क्स की हिस्ट्री आएगी, तो आप हिस्ट्री की अगर 2 बुक्स पढ़ लेंगे और उन्हें बार बार पढ़ लेंगे तो फॉर एग्जाम्पल आप 30 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, लेकिन अगर आपने 10 बुक्स पढ़ ली तो आप 30 को ऐसा नहीं है कि 55 या 60 ले जाएंगे, 30 मैक्सिमम आप उसमें 35 स्कोर कर लेंगे। लेकिन यदि आपने ऐसे लैंग्वेज पेपर पे जिसमें आपने कमांड नहीं है उस पे आपने थोड़ा सा भी टाइम दिया, तो आप जैसे मैं 70 पे था, अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम देता तो इजीली 95-100 मार्क्स मेरे आ जाते, जो कि एवरेज मार्क्स लोग ले आते हैं बड़े आराम से पेपर फोर में, और 25 मार्क्स अगर बढ़ जाते तो आई वुड हैव बीन द टॉप रैंकर इजीली। तो ये गलती मैंने की, आई एम नॉट द एक्सपर्ट पर्सन टू गिव हैव एन ओपिनियन ऑन पेपर फोर, लेकिन आप लोग जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं इस चीज को, वो हमेशा ध्यान रखें कि लैंग्वेज पेपर पे टाइम जरूर दें, शुरुआत से रेगुलर टाइम दें। बाकी क्योंकि 50 नंबर इसमें रहते हैं वो ग्रामर के रहते हैं, ग्रामर को कैसे याद किया जाए, वो जो चीजें रटने के, आपके कोई दोस्त वगैरह? एग्जैक्टली वही, डे वन पे अगर आप सोचेंगे कि मैंने आज सारे पर्यायवाची शब्द पढ़े और शाम को मैं कोई सा भी पर्यायवाची शब्द सामने देख लूं और मुझे उसका आना चाहिए, तो ये अपने आप से एक्सपेक्ट ना करें, उसे कोशिश करें कि अभी 4-5 बार जब बार बार करत व्यास, तब आपको फिर आएगा वो वर्ड, तब आप उसको बता पाएंगे। तो अपने आप पर ज्यादा, अपने दिमाग पर ज्यादा लोड भी मत डालें, ज्यादा प्रेशर भी ना डालें, ऐसा है। सर इंटरव्यू बहुत बड़ा हर्डल होता है इस एग्जाम में, खासतौर पर जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, कईयों को ये डर रहता है कि इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे वहां पे, कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे, तो कैसे इंटरव्यू को फेस करना चाहिए, खासतौर पर जो विद्यार्थी अब एसआई का इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिसके लिए अभी 1900 बच्चों के लिए कॉल हुआ है, तो आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन से या आपके इंटरव्यू के टिप्स से वो कैसे सीख ले सकते हैं? देखिए विवेक जी, मैं कोई बहुत बड़ा डिग्नेटरी तो हूं नहीं कि इंटरव्यू से रिलेटेड फंडे दूं,
फंडे देने की बजाय मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा और उसमें मुझे क्या गलत लगा क्या सही लगा वो मैं जरूर लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स, ठीक अच्छे आई सिक्योर्ड 72 मार्क्स आउट ऑफ 100, सो दैट इज अ गुड स्कोर इन आरपीएससी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले जो ध्यान में आपको रखनी है वो ये कि सर आपकी नॉलेज का टेस्ट वो ले चुके हैं पहले के एक लेयर या फिर दो लेयर प्री मेंस जो भी आप एग्जाम आपने दिया है। तो इंटरव्यू इज नॉट ए टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए वो कंडक्ट किया जा रहा है, क्या आप उस जॉब के प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, आप उस जॉब के साथ कितना जस्टिस कर पाएंगे, उस चीज को टेस्ट करने के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरव्यू में आपको ऑब्जर्वेंट रहना होता है, आपको हर हमेशा अपने आंख कान नाक खुले रखने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इंटरव्यू में गया तो मुझसे पहला सवाल ये पूछा गया कि आपने आरपीएससी में आकर क्या देखा, क्या क्या है यहाँ पर, ऑब्जर्व किया। तो मैं 2 घंटे पहले आ गया था, घूमने फिरने की इधर आदत है, एक जगह बैठे रहने की आदत नहीं है, जैसे अभी आपने 15-20 मिनट से बिठा रखे तो अब मेरे हो रहे कब उठ के जाऊं। तो मैं वहां पे भी इधर उधर उठता फिरता घूम रहा था, तो वहां पर ऐसे कोट्स लगे हुए कहीं पर महात्मा गांधी जी के, तो वो कोट्स मैंने पढ़े, 1-2 कोट्स मुझे याद थे तो मैंने वहां पर चिपका दिए, उससे वो लोग इम्प्रेस हो गए कि हाँ इज ऑब्जर्वेंट, ये ध्यान रखता है। उसके अलावा आपको अपने एटिकेट्स का खास ध्यान में रखना होता है। एटिकेट्स का ध्यान बहुत छोटी छोटी चीज है कि जैसे आप रूम में घुसे और रूम से बाहर निकले तब तक आपको एक पूरा एक फेक इट टिल यू मेक इट, अंटिल यू मेक इट यू हैव टू फेक इट, चाहे आपको फेक करना पड़े लेकिन उस फेकनेस को आपको ओरिजिनलिटी करके दिखानी पड़ेगी। उनको नजर नहीं आए कि आप नर्वस, उनको नजर नहीं आना चाहिए कि आप अंदर से नर्वस हैं। देखिए ऑब्वियसली आपकी लाइफ का सवाल है पूरा का पूरा, तो नर्वस होना तो लाजमी है जी। ऐसा कोई भी नहीं होगा इस दुनिया में उस इंटरव्यू के दौरान जो नर्वस नहीं होगा, लेकिन वो नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए किसी भी मोमेंट पे, और उन्हें भी पता होगा कि ये नर्वस है। एग्जैक्टली। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रूम में घुसते हैं, अंदर आते हैं, अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स द पैनल, पैनल में एक आरपीएससी का मेंबर था, मेंबर साहब, और मेंबर साहब के साथ साथ 2 एक्सपर्ट्स थे जो कॉलेज प्रोफेसर या फिर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, इस तरीके के लोग, बड़े लोग, हम छोटे लोग। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत देनी है, आपको उन सभी को जाते ही अच्छे से ग्रीट करना है कि सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी है, इंडिविजुअली एग्जैक्टली, हाँ सभी के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाकर और सभी को अलग से ग्रीट करना, सबको अलग अलग, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ जो वहां पर मेंबर साहब बैठे हैं मेंबर साहब को गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग बोल दिया और बाकी दोनों को इग्नोर कर दिया, नहीं आपको सभी को बराबर तमीज से इज्जत देनी है। तो इम्पोर्टेंट बात नंबर 1। इम्पोर्टेंट बात नंबर 2, लोग गलती क्या करते हैं वहां पर, वो हालांकि वो गलती करवाने की कोशिश करवाते हैं, एक टेबल थी, टेबल के नीचे की तरफ कुर्सी लगी हुई है, तो लोग क्या करते हैं नर्वसनेस में बिना उनकी अनुमति के बिना विदाउट इवन दे डोंट इवन आस्क यू टू सिट एंड दे स्टार्ट टू पुल द चेयर और बैठ जाते हैं। बजाय इसके कि आप उनको नमस्कार उनका अभिवादन करके और वेट करें कि वो बोलेंगे कि बैठिए, तब बैठिए या फिर परमिशन ले लें उनसे, परमिशन की जरूरत नहीं, वो खुद ही बोल ही बोलता वो बैठने के लिए ही आए, और अगर वो अगर खुद से नहीं बोल रहे हैं तो क्या वो चाहते हैं कि आपसे खड़े खड़े, क्योंकि वो आपका मैंने बताया ना ऑब्जर्वेशन का, आपने उनको ऑब्जर्व किया क्या वो चाहते हैं आप बैठे, किसने बोला आप बैठना है, क्या आपने पहले इंटरव्यू दिया है, तो इस तरीके की चीज है। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं पर भी यू टर्न ले सकते हैं वो लोग, दे हैव द राइट। अब वो चेयर खींचते हुए कई लोग क्या करते हैं फटाफट जल्दबाजी में चेयर खींचते हुए नीचे आवाज हो जाती है, तो इट्स अ साइन ऑफ नर्वसनेस, वो आवाज आएगी मतलब आप नर्वस है, बजाय इसके आप चेयर को उठाएं और पीछे बैठें, और जब बैठ रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल उस चेयर पर ऐसे साइड में कुशन होते हैं, उस कुशन पर हाथ रख के जैसे अभी हम दोनों बैठे हैं, तो इट शोज के यू आर द बॉस, सुपीरियर है आप सामने वालों को डिक्टेट करके, इस तरीके से कुछ एक भाव सामने आता है, तो ये कभी भी नहीं करना। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा अपने लैप यहाँ पर जांघों पर हाथ रख के बात करनी है। ओके, बात करते समय बात करते दौरान कॉन्फिडेंट रहे और अपने हाथों का यूज कम से कम करें, हाथों का यूज काफी कम करना। हाँ जी, इंटरव्यू स्किल्स में क्या है कि ये एक अनसेड या फिर अनरिटन रूल है, इसमें बोला जाता है कि अगर आप हाथों का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो इट शोज के आप अपने शब्दों का चयन करके अपनी बात को अच्छे से नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तभी आप अपने हाथों को ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। तो ये एक कमजोरी का साइन होता है कि आपकी बात में इतनी वेटेज नहीं है कि आपको अपने हाथ का यूज करना पड़ रहा है। तो इम्पोर्टेंट बात दूसरी ये ध्यान में रखनी है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे व्हाइल यू आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तो वो भी जानते हैं कि जो सवाल मैं इससे पूछ रहा हूँ नहीं आता उसको,
लेकिन उस सवाल का जवाब ना देने, अगर आप सक्षम नहीं है उस सवाल का जवाब देने में, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके मार्क्स कट रहे हैं उस चीज पे। इट इज ओनली जस्ट अ प्रेशर टेस्ट कि वो लगातार 5 सवाल पूछेंगे और आप लगातार 5 सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे और फिर उसके बाद आपकी जबान लड़खड़ाने लगे, आप पानी वानी पीने लगे और घबरा जाए, आपकी धड़कने तेज हो जाए, बोल ना पाए, आवाज बोलते हकलाने लगे, तो इट शोज कि आप यार बड़े जल्दी प्रेशर में आ जाते हो। जर्नी ही आपको प्रेशर, जर्नी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हर रोज वही रहती है और इतने लोग इकट्ठे होकर आप पर गालियां दे रहे होते हैं, पथराव कर रहे होते हैं और आपको उनको समझाना है, पीछे हटाना है, कन्विंस करना है, कैसे करोगे अगर आप इन 5 सवालों के जवाब ना देने पाने पे आप इतना गड़बड़ा गए, पसीने छूटने लगे। तो इट्स अ टेस्ट ऑफ प्रेशर। 5 सवाल का जवाब नहीं आता, नहीं आता सर, ठीक है अगला सवाल के लिए उतने ही कॉन्फिडेंस से मैं तैयार हूँ, ये आपको शो करना है। अंदर ही अंदर घबराहट हो रही होगी आई एम श्योर, लेकिन ध्यान में रखना कि बाहर वो चेहरे पे घबराहट नहीं आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात। और सर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हाँ वाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि आप जो स्टांस ले रहे हैं किसी बात पे, अपना स्टैंड ले रहे हैं, तो क्या आप अपने स्टैंड पे फर्म है, क्या आप उसे अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे मेरे इंटरव्यू के दौरान उस टाइम बहुत हलचल में था मेक इन इंडिया, मोदी जी का मेक इन इंडिया जो स्कीम था, पूरा का पूरा अभियान है, उस पर चर्चा चल रही थी, बहुत ज्यादा अखबारों में भी आता था। तो मुझसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है इस बारे में, तो मैंने बताया, एक तो हाँ बीच में मैं अपनी बात को रोक कर बता देना चाहूंगा कि कभी भी गवर्नमेंट की स्कीम को सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही उखाड़ के फेंक, बकवास चीज है, ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आपको यदि उससे कुछ शिकायत है तो आप एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के फॉर्म में अपनी बात रख सकते हैं, इतना राइट आपके पास है, बजाय इसके कि डीमोनेटाइजेशन, वो तो बकवास था, उससे तो हमारा देश बर्बाद हो गया, इस तरीके के शब्दों का चयन नहीं करना है। मेक इन इंडिया वो तो सर कोई काम की चीज नहीं है, आपको अगर उसमें कुछ कमियां दिखती हैं तो कंस्ट्रक्टिवली उसे रखें। तो मुझसे मेक इन इंडिया के बारे में पूछा गया, मैंने बताया कि सर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे, यूं नहीं कि मोदी जी बोल दिया या फिर पीएम ऑफ इंडिया ऐसे बोल दिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ये जो मुहिम है ये बहुत अच्छी है, बहुत से MOUs वो विदेशों में जाकर साइन करते हैं, इस तरीके से मैंने 2-3 उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए। वहां पर एक एक्सपर्ट ने मेरे पॉइंट को काटा और बोले कि ये कुछ भी नहीं है, ये फालतू के MOU साइन होते हैं, रियलिटी में ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है, कुछ होना जाना है नहीं इनसे। तो अब ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है कि क्या उनका थोड़ा सा दबाव डालते ही आप अपने यूटर्न मार लेंगे और उनकी बात में बात मिलाना शुरू कर देंगे। अगर वहां पर आपने उनकी बात में बात, हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं होता जाता इससे, और इस तरीके से अगर आपने यूटर्न मार के और उनके साथ में लग गए, तब उनको लगेगा कि यार इसमें कुछ दम नहीं है बंदे में, इसका कुछ स्टैंड नहीं है, ठीक है। तो आप अपना स्टैंड रखें, हालांकि वो जो बोल रहे हैं उस पॉइंट को भी आपने रिस्पेक्टफुली लेना है। आप कुछ बता रहे हैं किसी भी चीज के बारे में और यदि उन्होंने कोई पॉइंट ऐड कर दिया कि हाँ इसमें ऐसा भी होता है, तो 1 मिनट के लिए ठहरिए, उनकी बात सुनिए, थैंक यू सो मच सर आपने ये बात मुझे बताई, बहुत अच्छी, मतलब इस तरीके से थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस पॉइंट, इस तरीके से आई कॉन्टेक्ट करके इस तरीके से तो अपने पॉइंट पर फर्म रहे, जस्टिफाई करें। और फॉर एग्जाम्पल पर्सन एक्स ने मुझसे सवाल पूछा, तो ऐसा नहीं कि मुझे अपना जवाब देने के दौरान पूरे टाइम पर्सन एक्स से ही आई कांटेक्ट करके बात करनी है। तो यदि 3 लोग वहां पर बैठे हैं और सवाल आपने यदि पूछा है, तो मैं सिर्फ आपको भी आई कांटेक्ट, उनको भी बात समझाऊंगा और तीसरे इंसान को भी बात समझाऊंगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है सर। और भी बहुत छोटी छोटी बातें बहुत हो जाती है इसमें, इसमें और तो और आप जब वापस जा रहे हैं तो क्या आपने अपनी चेयर उठाकर वापस जहां पर वो थी टेबल के नीचे वहां पर रखी है, वो चीज नोटिस होगी। और तो और सर जब आप एग्जिट डोर पर निकल रहे हैं बाहर की ओर, तब अब उस गेट पर पुल या पुश लिखा होगा, तो आप पुल की जगह आपने पुश कर दिया और वो गेट खड़खड़ा गया, तो इट शोज दैट यू आर नर्वस, आप बस यहाँ से इस प्रेशर एनवायरनमेंट से भागने की कोशिश कर, बाहर निकलना चाह रहे हैं, इट्स गेटिंग हैवी ऑन योर नर्व्स। तो वो चीज भी ध्यान रखनी होती है सर कि इस तरीके से बहुत काम, कंपोज्ड, धीरे धीरे, कोई कोई एकदम से कुछ बात आप नहीं बता पा रहे हैं तो टेक अ पॉज, उसने आपसे कुछ सवाल पूछा साहब ने, तो टेक अ पॉज, थिंक फॉर 10 सेकेंड्स, उसके बाद बोलिए। अगर आप सोच समझ कर बोल रहे हैं, इसका साइन ये नहीं है कि आपको आता नहीं, आपको सोचना पड़ रहा है, नहीं, इट शोज कि आप सामने वाले की बात को पहले सुनते हैं, फिर उसे समझते हैं, फिर अपना दिमाग लगाते हैं और अपनी बात कहने से पहले 2 बार सोचते हैं, ये चीज। तो इसलिए पॉज लें, धीरे धीरे बोलें, अभी जैसे मैं फटाफट खटखट बोल रहा हूँ, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन, वहां पर आप सामने वाले इंसान की बात को सुने, समझे और टाइम लेकर आराम से धीरे धीरे उस चीज को कामली निकालें।
मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर आपके कलाम एकेडमी बताया गया कि यू आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज सम मॉक इंटरव्यूज, तो इस तरीके के मॉक इंटरव्यूज में एसआई के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम प्लान कर रहे हैं ऐसे मॉक इंटरव्यूज या एसआई पूरा प्रोग्राम डिजाइन करना, ताकि वो आप जैसे और भी जो एक्सपर्ट हैं उनसे गाइडेंस लेकर हेल्प कर सकें और हेल्प ले सकें और उस दिन अच्छा परफॉर्म कर पाएं जी डे के दिन। ये काफी अच्छी मुहिम है आपकी, मैं भी ये क्योंकि मैंने भी किया है, मॉक इंटरव्यूज देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उस तरीके का प्रेशर एनवायरनमेंट तो हालांकि फील नहीं होता है मॉक इंटरव्यूज में, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा ही एनवायरनमेंट मिल जाता है। और जैसा आपने बताया कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो वो हिचक दूर डायरेक्टली आप वहां पर जाएंगे तो टू मच हो जाएगा दिमाग पर। तो इसकी बजाय पहले थोड़ा इस तरीके के एनवायरनमेंट से आप यूज्ड टू हो जाएं। ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि जो एक भ्रांतियां होती है सिविल के इंटरव्यू की कि शर्ट में कितने बटन है, जूते की लेस कैसे बांध रखी है, गाड़ी में जिसमें बैठ के आए थे उसका सीट नंबर कितना था, ये सवाल वाकई पूछे जाते हैं? सर ऑब्जर्वेशन को आपको टेस्ट करा जा सकता है, हालांकि शर्ट के बटन तो यार आज तक ही नहीं याद कितने होते हैं। अभी भी कोई पूछ ले हालांकि बटन सही नहीं। एनीवे ऑन अ लाइटर नोट, हाँ ऑब्जर्वेंट रहे हर अच्छा। चीज को लेकर कुछ भी थोड़ा सा और अपनी ड्रेसिंग पर अपनी टाई पर ध्यान दें, आप क्या पहन कर जा रहे हैं, शूज पॉलिश्ड हो, ज्यादा मतलब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर अच्छी क्रीज बनी हुई प्रेस की हुई पैंट शर्ट टाई और शूज ब्लैक शूज बेसिक सी चीजें, बाल अच्छे से बनाते हुए होने चाहिए, इतने इतने करवा लो। वो तो आरपीए में जाएंगे तो वैसे वो तो वहां पर जाते ही डे वन पे आपकी रजिस्ट्रेशन बाद में होती है, पहले हेयर कट। अच्छा ऐसा है? हाँ बिल्कुल सर, इट्स मैंडेटरी हर वीक में हर संडे को हमारा हेयर कट करवाना जरूरी है, नहीं तो पनिशमेंट ड्रिल होता है मंडे मॉर्निंग, राइफल को ऊपर सर के ऊपर टांग कर और पूरा चक्कर लगाइए ग्राउंड का, तो इसलिए छोटे ही। अब तक आप कितनी बार पनिश हो चुके हो सर? मत पूछिए क्या पूरी पब्लिक के आगे पोल ही खोल दो सर। और क्या क्या बात है आपके अपार्ट फ्रॉम स्टडी या फिर जो सर्विस, एक आम आदित्य पूनिया जी क्या क्या शौक रखते हैं? सर अभी टाइम कम मिल रहा है लेकिन ट्रैवल करने का जब भी मौका मिला है मैंने किया है। अच्छा। पैसे नहीं है, उधार मांग के किया है। कैसे मर्जी, सोलो ट्रैवलिंग या सोलो ट्रैवलिंग दोस्तों के साथ? आई लाइक टू हैव एन एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों के साथ रहना पसंद है। सोलो ट्रैवलिंग वो कुछ लोग होते हैं एंजॉय करते हैं, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मुझे सोलो ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद है, वो कुछ लोग उसे अप्रिशिएट करना जानते हैं, दे हैव अ टेस्ट फॉर सोलो ट्रैवलिंग। मेरा थोड़ा ऐसा है कि कम से कम 7-8 लोगों का ग्रुप हो जाए और उसमें मजा आए, मस्ती। ट्रैवलिंग सर फूड शायद जयपुर का और जहां पर भी मैं रहा हूँ दिल्ली रहा हूँ 4 साल, ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा जिसे मैंने एक्सप्लोर ना किया हो, जहाँ का खाना मैंने एक्सप्लोर ना किया हो, तो खाने का बहुत शौक है। तो हालांकि आरपीए में हमारा खाना निकाल दिया जा रहा है सारा का सारा खाया हुआ, बट हाँ खाने का शौक सर, मूवीज का बहुत शौक है। अच्छा मूवीज, मुझे टीवी सीरीज नेटफ्लिक्स बड़ा पसंद है, कुछ ना कुछ टीवी सीरीज चलती रहती है। लास्ट सीरीज कौन सी देखी? अभी करंटली मैं पीकी ब्लाइंडर्स देख रहा हूँ। पीकी ब्लाइंडर्स एक अमेरिका सॉरी इंग्लिश माफिया की एक बहुत अच्छी टीवी सीरीज, आप भी देखिएगा अपने फ्री टाइम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको अपने व्यस्त शेड्यूल से अगर टाइम मिले तो सर कोशिश रहेगी। जी सर, तो चलिए सर यहाँ पर इस बातचीत को खत्म करते हैं। आप थे आदित्य पूनिया जी जो इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद थे। आई होप इस बातचीत का आप सभी व्यूअर्स को, आप सभी दर्शकों को बहुत फायदा मिला होगा। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कलाम टीम आदित्य पूनिया जी को उनके फ्यूचर एस्पिरेशंस के लिए, उनके फ्यूचर वेंचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। मुझे डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर याद आता है सर आपको देखकर, कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं तुमने मुझे छूकर नहीं देखा, और ये फूल मुझे विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटो भरा बिस्तर नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप इस बातचीत में आए, हमारे दर्शकों को आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आप जरूर कलाम अकेडमी के वीडियोस को देखते रहिए, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आते रहे हैं, आगे भी लेकर आते रहेंगे। जैसा कि इस बातचीत में भी आपने देखा कि एसआई के बहुत जल्दी मॉक ड्रिल्स, मॉक इंटरव्यू हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एसआई के इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में इसी तरह से किसी और शख्सियत के साथ बातचीत लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।